अलमदिल्ल अहमद लाबिलासलात वसलाम महमदमी फ़ौज़बिल्लामिनशैतरजीम बसमिल्लर खातिनत ये सूर्य नसा की आयत 122 है जिससे हम दर्श की पदा कर रहे हैं इससे पहले ये बयान हुआ था कि वो लोग जिन्होंने पैगंबर के खिलाफ मोर्चा बांध लिया है उनका ठिकाना जहन्म है अब उसके बरखिलाफ जिन लोगों ने ईमान और अमल साले का रवैया इख्तियार किया है उनके बारे में ये बयान किया गया है कि उनके लिए जन्नत है इर्शाद फरमायावलिन आमन व आमिरत सम जन्नातिन तजरी मिन तख़्त हल्लाहार इसके बरखिलाफ़ जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हैं उन्हें हम अन ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी ख़ालदीन अफीहा अबदा वो उनमें हमेशा रहेंगे वादल्ला वादल्ला हक्का अल्लाह का वादा सच्चा है वमन रसना को मिनल्ला और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा हो सकता है जन्नत की ये ताबीर जगह जगह इख्तियार की गई है इससे अहले अरब के क़ को सामने रखकर एक तस्वीर खींचती जाती है कि बागात हैं उनके नीचे नहरें बहती हैं और अल्लाह ताला ने इन बागात को अहले ईमान के लिए खास कर दिया है जन्नत की तबीर के दूसरे सालिब भी कुरान मजीद ने किए हैं मिसाल के तौर पर ये कि वह अबदियत की जगह है या उसमें तुम्हारे लिए ऐसी ठंडक रखी गई है आँखों की ऐसी ठंडक कि जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते हो या ये तबीर की गई है कि वह ऐसी जगह है कि वला या जनून ना उसमें माजी का कोई पछतावा होगा ना मुस्तबिल का कोई अंदेशा तो ये मुख्तलिफ तबीरें हैं जो उसके लिए इख्तियार की जाती यहाँ ये बताया जा रहा है कि ईमान और अमल साले है जो जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा इसके अलावा कोई चीज़ भी नजात का बायस नहीं बन सकती चनाचे तो फ़ौर बात यद फरमाया कि लई सब अमानी ये कुमला अमानी ये किताब कि तुम पर वाज़ होना चाहिए कि नजात ना तुम्हारी आर्जुओं पर मौकूफ़ है ना अहल किताब की आर्जुओं पर यानी आम तौर पर जो महबी लोग हैं वो अपनी तमन्नाओं को मज़ब का नाम दे लेते हैं और वह समझते हैं कि हम अगर एक ख़ास नुक़ नज़र के हामिलीन हैं हमारा पास बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ है हमने अपने आप को एक गिरोह बना लिया है तो यही चीज़ हमारी नजात का बायस बन जाएगी जैसे कि बनी इसराइल का नुक़ नजर जगह जगह बयान हुआ है कि वो ये ख्याल करते थे कि जब अल्लाह ने हमारा इंतखब कर लिया तो अब उसके बाद हम अल्लाह ताला की मंतख उम्मत की हैसियत से जन्नत में तो लाजमन चले जाएंगे और फिर ये कहते थे कि हमें अगर आग छूएगी तो बस चंद दिन के लिए छुएगी नहीं अल्ला यामम तो कुरान मजद ने यहाँ फिर वाज़ कर दिया कि नजात ना तुम्हारी आर्ज़ुओं पर मौकूफ़ है ना अहले किताब की आर्ज़ुओं पर मैं यामसून ही वला यजिद लहू मद्ला वलीम वला नसीरा इसलिए जो बुराई करेगा उसका बदला पाएगा और अल्लाह के मुकाबले में वो अपने लिए कोई हामी और मददगार ना पा सकेगा यानी ये जो कहा कि कोई हामी और मददगार ना पा सकेगा तो वो शफात के जितने अकीदे आम तौर पर राइज हो जाते हैं उनकी तरदीद करती ये बता दिया कि अल्लाह का फ़ैसला खालिस अमल की बुनियाद पर होगा दूसरे पहलू को भी वाज़ कर दिया व मई यामिन साल मिन मिन ज़करिन जकर असा और जो नेकी करेगा खा मर्द हो या औरत और वह ईमान भी रखता है व मोमिन फ़ौलादलू जन्ना वलामीरा तो ऐसे ही लोग हैं जो खुदा की जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी ज़रा भी हक तलफी न होगी तो दोनों पहलुओं को वाजे कर दिया कि नेकी और बुराई दोनों के बारे में अल्लाह का एक ही कायदा है ईमान के साथ नेकी की गई है बराबर होगी उसके नतज़ज निकलेंगे अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा और जन्नत दर हकीकत उन्हीं के लिए ख़ास की गई है और जिसने बुराई का इरतक किया है और वो ये समझता है कि मेरी आर्ज़ुएँ मुझे जन्नत में ले जाएँगी तो वो अपनी ये गलत फहमी दूर कर ले अल्लाह के हाँ अगर बुराई का इरतक किया गया है तो उसका बदला पाएगा और अल्लाह के मुकाबले में अगर ये ख्याल है कि कोई हामी कोई मददगार कोई शुरा कोई शफा काम आ जाएंगे तो कोई भी काम नहीं आएगा ये बात वाजी करती वा मन रहासनद्दीन मम्म असलम वजह उल्ल मोहसिन व तबा मिल्लत इब्राहिम हनीफ़ा वत्त खज़ल्लाब्राहिम खलीला ईमान वालों के मुकाबले में ये मुनाफिक मशरकों को तरजीह देते हैं उन्हीं का बयान हो रहा है उन्हीं के बारे में पीछे ये बयान हुआ था कि इन्होंने रसूल के मुकाबले में खड़े होने का फ़ैसला कर लिया तो अब ये फरमाया कि ये इस पस्ती में उतर गए हैं कि ये ईमान वालों के मुकाबले में मशरक़ों को तरजीह देते हैं दोस्ती के लिए ताल्लुक के लिए और नहीं समझते कि मन असन दीनम मम असलम वजह उस शख़्स से बेहतर किसका दीन हो सकता है जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अच्छे तरीके से अमल करने वाला हो वह हुआ, हुआ मोहसिन। तो ये बता दिया कि दीन का मैार तो ये चीज़ होनी चाहिए यानी दीन का मैार कोई गुरोहीसबियत नहीं हो सकती उसका मैार ये होना चाहिए कि किसने अपने आप को खुदा के हवाले किया है इस्लाम नाम है अपने आप को खुदा के हवाले कर देने का तो खुदा के हवाले जिसने किया है और फिर वो अच्छा अमल भी कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है तो ये मैार है जिस पर देखना चाहिए कि कौन सही है और कौन ग़लत ये अगर मुशरक़ों को अपना दोस्त बना रहे हैं तो इन्होंने क्या कायम किया है यानी वो क्या चीज़ है मशर्किन तो अपने आप को बुतों के हवाले किए हुए हैं उन्होंने तो अपने आप को अल्लाह के सामने सरफगंदा नहीं किया बल्कि जो शुरा शफा बना रखे हुए हैं उनके साथ अपनी सारी उम्मीदें वस्ता कर रखी हैं तो वो मैार क्या है जिसकी बुनियाद पर इन्होंने फैसला किया है कि ये किस को पसंद करेंगे किस से दोस्ती रखेंगे इस किस से ताल्लुक़ क़ायम करेंगे मैार तो ये होना चाहिए तो ये मैार चूँकि एक बिल्कुल माना हुआ मैार था तौरात में भी यही था इंजील में भी यही था तो उसको दोहराया है और ये कहा है कि ये कितने तजुब की बात है कि ईमान वालों के मुकाबले में ये मुनाफिक मशरकों को तरजीह देते हैं और नहीं समझते कि उस शख्स से बेहतर किसका दीन हो सकता है मन असल दीन मन असलम वजह अवजहुल्ला जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे वह हुआ महसिन और वह अच्छे तरीके से अमल करने वाला हो और फिर मजीद वजाहत कर दी वतबा मिल्लता इब्राहिम हनीफ़ा और अगर उसने किसी की पैरवी करनी है तो इब्राहीम के तरीक़े की पैरवी करे जो बिल्कुल यकसूथ यानी ये जो कुछ बाद में तुम बयान कर रहे हो ये तो तुम्हारी इख्तरात हैं अगर तुम सब अपने आप को सैदना इब्राहीम से वाबस्ता करते हो तो इब्राहीम तो तोहद के मामले में इस आलम की सबसे यकसू हस्ती थी तो फिर उनकी पैरवी करो अगर करनी है वत तज़ल इब्राहिम खलीला फरमाया यही सबब है कि इब्राहीम को अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था यानी इब्राहीम को अगर अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था अब इसमें तारीस की है इन लोगों के ऊपर कि इब्राहीम को दोस्त इसलिए बनाया था कि उसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया था अच्छा अमल इख्तियार किया था और वो तो के मामले में यकसू था तुम दोस्ती का दावा किस बुनियाद पर करते हो असल दीन ये है इब्राहिम इसी के पैरों थे अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त बनाया तो इसी वजह से बनाया कि हर चीज़ से अलग होकर उन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया था मुसलमान ये गोया कुरान मजीद ने मैार सामने रखा इसी इमाम तो हीद की पैरवी कर रहे हैं यानी मुसलमानों ने अगर किसी को इमाम बनाया है तो इब्राहीम है इसके बरख़िलाफ़ इन मशरक़ों का हाल ये है कि इब्राहीम के तरीक़े को छोड़ कर इन्होंने इब्लीस की पैरवी इख्तियार कर ली है तो अब तुम फैसला करो कि तुम किस को दोस्त बना रहे हो क्योंकि ये मुनाफिक अब मशरकों के साथ टीगे बढ़ा रहे हैं और उनसे ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं और अंदर से उनके साथ मिले हुए हैं तो इस पर तबसरा करते हुए इनके सामने वो मैार रखा है कि अगर तुम सही रास्ते को दरियाफ़त करना चाहते हो तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें कोई इश्तवा हो यानी हर तरफ़ से यकसू होकर तोहीद को हकीकत दीन समझ कर जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे वही सही रास्ते पर है और अगर किसी को मेयार बना के शख्सियत के लिहाज से देखना है तो फिर सब गिरोहों के नज़दीक जो हस्ती मुतफ़ अला है वो सैदना इब्राहिम की है फिर उनकी पैरवी की बुनियाद पर बात करनी चाहिए और अल्लाह ताला ने अगर इब्राहिम को यह मामूली मकाम दिया है तो इस तोहीद ही पर अमल करने की वजह से और मानने की वजह से दिया है तो अब कोई और मेयार तो नहीं हो सकता कि जिसकी बुनियाद पर तुम्हारे बारे में वो फ़ैसला कर देगा उसका कायम करदा मेयार ये है अब जो ये बात कही कि अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे यही असल दीन है तो फरमाया कि अल्लाह के सिवा कौन इसका हकदार हो सकता है कि अपने आप को उसके हवाले किया जाए क्यों इसलिए कि वल्ल ही माफ़ समावात व माफी लर्द ज़मीन व आसमान में जो कुछ है अल्लाह का है व कान बिकुल शय महीता और अल्लाह हर चीज़ का अहाता किए हुए यानी अल्लाह है जो इसका हकदार हो सकता है कोई शरीक कोई शफी जिसको तुम बड़ी अहमियत देते हो और बड़ा मकाम दे रहे हो ज़मीन व आसमान में क्या है जो उसका है चनाचे जब अल्लाह ताली ये बयान करते हैं कि तोहहीद क्या है और शिरक़ क्या है तो उस को डिफ़ाइन इस तरीके से कर देते हैं कि किसी को अल्लाह की जात से माना जाए या अल्लाह को उसकी ज़ात से माना जाए तो ये शर्क है किसी को अल्लाह की तख्लीक में शरीक किया जाए तो ये शरीक शर्क है और किसी को शरीक बनाना है किसी को इस आलम के नज़म में चलाने में शरीक माना जाए तो ये शर्क है और ये चीज़ जो है ये अल्लाह ताला के किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है ज़मीन व आसमान की बादशाही भी उसकी है उसका नज़म भी वही चला रहा है अलाखल्क वालमर वकान वा अल्ला बिक शाइम महीता और कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो अल्लाह के हाथे से बाहर हो ये आयत एक सौ छब्बीस है जिस पर ये सूर्य अपने मजमून के लिहाज से ख़त्म हो जाती है यानी अगरचूर आगे चल रही है लेकिन अपने मजमून के लिहाज से यहाँ सूर्य असल ख़त्म हो गई है इसके बाद सवालत हैं जिनका जवाब दिया गया यानी यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम कोई नशस्त मरक़द करते हैं तो उसमें कोई तकरीर करते हैं कोई गुफ्तू करते हैं कोई खुतबा देते हैं और उसके बाद लोगों से कहते हैं कि अब उनके कोई सवाल हों तो वो बयान कर दें तो कुरान मजीद में इन दो सूरतों में ख़ास तौर पर ये सूरा नसा और इसके बाद सूरा माहदा एक ही तरीका इख्तियार किया गया है यानी सूर्य का मज़मून एक जगह ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आखिर में सवाल और जवाब का एक ज़मीमा है यूँ कह लीजिए जैसे हम एक ज़मीमा वाबस्ता कर देते हैं तो वो सवालात हैं जो अब यहाँ ज़ेर पैसा हैं ये सवालत इस सूर के अहकाम से मुतलक़ हैं यानी जो अहकाम सूर्य की इब्ता में बयान हुए थे उसमें यतीमों से मतलब कुछ अहकाम बयान किए गए थे औरतों के बारे में कुछ अहकाम दिए गए थे इस सूरह में चूँकि ज़्यादातर शरीयत का वो हिस्सा इब्ता में बयान हुआ है जिसका ताल्लुक मुसलमानों की माशरत की तथहर और उसके तजिए से है तो उसमें कुछ सवाल सामने आए तो अल्लाह त आयत 134 तक आ गए यानी 126 पर जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया सूर्य अपने मज़मून के लिहाज से ख़त्म हो गई है तो आगे आयत 134 तक पहले सवाल का जवाब है ये उन मुसलमानों ने किया है जो ईमान अखलाक की जिम्मेदारियों को पूरा करने में अभी कुछ कमज़ोर थे यानी कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो कमज़ोर किस्म के लोग उठा देते हैं उनको कोई चीज़ भारी लगती है और वो महसूस करते हैं कि कोई रास्ता अपने लिए निकालें तो एक सवाल इस तरह के लोगों ने किया है दूसरा सवाल मुनाफिकीन का है उसका जवाब आयत एक सौ बावन पे ख़त्म हो जाता है तीसरा सवाल एक मुतालबे की सूरत पर है और यह अहले किताब ने किया है यानी सूरा के जो मुखातबीन हैं उनमें जाहिर है, उन है कि कमज़ोर मुसलमान भी हैं मुनाफी भी हैं अहले किताब भी हैं तो तीसरा सवाल उन्होंने किया और आयत एक सौ पचहत्तर तक कुरान ने इसका जवाब दिया है और फिर आयत एक सौ छिहत्तर जो आखिरी आयत है उसमें चौथे और आखिरी सवाल का जवाब है इसका ताल्लुक मीरास के उन अहकाम से है जो इस सुरा की में मैदान हुए तो ये चार सवाल हैं जिनका अब जवाब दिया गया है। ये जो पहला सवाल है उसकी इब्पदा यहाँ से होती है कि व यस्तफ़ तू नफ़िल युफ्तीकुम खुल्लुफ़ती कुीव मा फिल किताब फ़ी ان अल्लातब्न्न तरगबू من निनदान वंत कोतमा बिलकस्त औरतों के बारे में फरमाया वो तुमसे औरतों के बारे में फ़तवा पूछते हैं ये किस नौीयत का इफताह था यानी क्या फतवा पूछा गया इसकी वजाहत आगे इसके जवाब से होती है क़ुरान मजीद का जो उसलूब है सवालों को नकल करने में वो यही है कि सवाल नहायत इज के साथ होगा और फिर जवाब से ये मालूम हो जाता है कि सवाल क्या था क्या पूछा गया था यानी यहाँ तो इतनी बात कही कि औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं तो आगे जवाब से ये मालूम होता है कि मसला क्या पेश आया है औरतों के बारे में क्या सवाल किया गया है और उसका क़ुरान मजीद ने क्या जवाब दिया है फरमाया कि उनसे कह दो जवाब दिया उसका इस्त का या उस फतवे का जवाब दिया है वो तुमसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं उनसे कह दो कुल्लाउ युफ्ती कुम्फ़ी हिन्ना कि अल्लाह तुम्हें उनके बारे में भी फ़तवा देता है व मा अलैकुम फिल किताब फ़ी यतामन नसा और जिन औरतों के हुकूक तुम अदा नहीं करना चाहते ला तो तू नन्ना माँ कोतबल यानी जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है तुम्हारे ऊपर उन औरतों के बारे में वो तुम उनको नहीं देना चाहते और इसके साथ ये चाहते हो यानी तुम वो तो नहीं देना चाहते व तरगबूनान तन के हन्ना उनसे निकाह करना चाहते हो उनके यतीमों के मतलब जो हदायात इस किताब में दी गई है उनके बारे में भी अल्लाह तुम्हें फतवा देता है वल मिनल विल्दान और दूसरे बेसहारा बच्चों के बारे में भी फतवा देता है फतवा क्या देता है ये आगे बयान होगा तो पहले गोया हवाला दे दिया है कि क्या क्या बातें पूछी गई हैं तो अगर आप इसको देखिए तो इसमें उस सवाल को मौजु बहस बनाया है जिसमें अल्लाह ताला ने यह कहा था कि जब बच्चे यतीम हो जाएं और उनके वालिद उनके लिए माल छोड़ गए हों तो उस माल की निगहदाश्त के लिए क्या अहतमाम करना चाहिए ये एक बड़ा मसला है एक तो यह ना कि यतीम है उनकी सरपस्ती हो उनसे मोहब्बत हो उनसे शफकत हो खास तौर पर इस सूरह के शुरू में ये मसला ज़ेर बहस आया है कि अगर किसी ने माल छोड़ा है तो अब यतीम बच्चे हैं वो तो फ़ौरी तौर पर बंदोबस्त नहीं कर सकते नजमो नस्क नहीं संभाल सकते तो उसमें जो रिश्तेदार हैं अयज़ा हैं सरप्रस्त हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी है उसमें यह बताया गया था कि यतीमों के माल की निगहदाश्त करनी है यतीमों के माल को ज़ाय नहीं होने देना यतीमों का माल उस वक्त तक उनके हवाले न करो जब तक कि वो उसकी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार ना हो इस दौरान में कोई बहाना साजी करके उसको खाने की तदबीरें ना करो बहुत सी हिदयातें जो दी गई उसी में ये चीज़ जेर बहस आ गई थी कि अगर यतीमों के मामले में इंसाफ के साथ मामला करना उनके माल की नगहदाश्त चूँकि तुम्हें करनी है इसमें मुश्किल पेश आ रही हो तो इसमें एक सहूलत ये भी हो सकती है कि उनकी माओ से निकाह कर लो यानी अरब के माशरे में चूँकि तदाज का रिवाज था तो अल्लाह तला ने ये अपील की कि एक तरीका ये हो भी हो सकता है कि भाई इनकुम अल्लाह तुख्स तो फिल या अगर यतीमों के माल की नगहदाश्त इंसाफ़ के साथ करनी मुश्किल हो रही है तो गोया उनकी माँ को भी उसमें शामिल कर लो होता है ना कि अगर माँ भी शामिल हो जाएगी तो गोया घर में वो खातून आ जाएगी कि जो मामलात में निगहदाश्त में शरीक हो जाएगी तुम्हारे साथ तो इससे सहूलत हो सकती है तुम्हें अब जब अल्लाह ताला ने ये तरगीब दी तो लोगों के स... को दो मसले पेश आ गए एक मसला ये पेश आया कि कुरान मजीद ये कह रहा था कि तुम्हें जिस औरत से भी निकाह करना हो उसके नानो नफके की ज़िम्मेदारी तो उठानी है उसको महर भी अदा करना होगा एक टोकन के तौर पर जैसे अब भी है एक अलामत है इस बात की कि नानो नफकी की ज़िम्मेदारी उठा ली है तो कुछ कमज़ोर किस्म के लोगों के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जब हम निका यतीमों की मसलियत के लिए कर रहे हैं जो इन्हीं की औलाद है तो इसमें फिर क्या ये ज़रूरी है कि महर भी अदा करें ये शायद हमें इतना अजीब सा लगे लेकिन ये कि जहाँ मीशत बहुत कमज़ोर होती है और लोगों के पास कुछ नहीं होता और वो एक नेकी भी करना चाह रहे होते हैं वहाँ ये सवाल अहमियत इख्तियार कर गया तो एक पहलू ये था जो उसमें पैदा हुआ कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि उनको महर दो तो ये क्या ज़रूरी है कि उनको महर दिया जाए अच्छा फिर ये कि जब निकाह किया जाएगा तो निकाह में एक या दो या तीन या चार औरतें हो जाएंगी तो अल्लाह ताला ने वहाँ ये फरमाया था कि उनके साथ इंसाफ़ भी हर हाल में करना होगा बल्कि यहाँ तक कह दिया था कि भाई ये एक नेकी की बात है जो तुम्हें कही जा रही है अगर तुमने इधर इनको इंसाफ़ देते देते औरतों से बेइंसाफी करनी है तो फिर आज राय करम ये इकदाम ना ही करो ये बात वहीं वाजे कर दी गई थी तो उसमें फिर ये सवाल भी पैदा हो गया कि ये इंसाफ़ करना भी क्या लाजिम है कि हर हर मामले में ये हो तभी हम ये कर सकें तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जो बात कही है वो असल में इसलिए कही कि ना की जाए यानी ये है वो सूरत हाल जिस सूरत हाल में सवाल किया गया है तो इसमें अल्लाह ताला ने उसका हवाला दिया कि ये औरतों के बारे में पूछ रहे हैं यानी उनके हुकूक के अदा करने के बारे में ख़ास तौर पर ये वो जो औरतें हैं कि जिनको जो कुछ उनका हक बनता है वो तुम अदा नहीं करना चाहते मगर उनसे निकाह करना चाहते हो उनके यतीमों के बारे में जो हुक्म दिया गया था कि उनके माल की नगहदाश्त के लिए उनकी माओ से निका कर लो उसके बारे में पूछना चाहते हैं और इसके अलावा जो भी यतीम बच्चे हैं कि जिनके माओं के साथ निका का मसला नहीं है उनके बारे में सवाल कर रहे हैं कि क्या करें तो अल्लाह ताला ने उसका जो जवाब दिया वो जवाब ये दिया है कि औरतों के हकूक हर हाल में अदा करो और यतीमों के साथ हर हाल में इंसाफ़ पर कायम रहो मतलब ये है कि इसमें जो रियायत तुम मांगने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं दी जा सकती ये साफ़ साफ तरीके से कह दिया अल्लाह ताला ने कि ये नहीं हो सकता इंसाफ़ करना है उनके साथ भी और महर भी अदा करने हैं हकूक़ भी पूरे के पूरे अदा करने नेकी कर रहे हो तो फिर ये ना करो यानी ये तरीका इख्तियार ना करो फिर तुम्हारे अंदर फराख दिली होनी चाहिए फ़राख हौसिल की होनी चाहिए और तुम्हें अगर, अगर अल्लाह ताला ने एक नेकी करने का मौका दिया है तो फिर उसको दिल के पूरे इन के साथ करो यानी ये कोई तरीका नहीं है बहुत यानी तम्बी का जुमला है कि निकाह करना तो चाहते हो लेकिन यह कि उनके हकूक अदा करने के लिए तैयार नहीं हो अल्लाह इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं और यतीमों की बहबूद जैसे मसले में भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है इस वजह से हर हाल में ये काम तुम्हें करना होगा तो पहली बात तो ये कही है। और ये कहा कि तुम्हारे अंदर भलाई का जज्बा होना चाहिए व मा तफ़न मिन ख़ैरन फ़ैन कान बही अलीमा याद रखो इसके अलावा भी जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के इलम में रहेगी यानी अल्लाह के इलम में रहेगी तो उसका अजर भी तुम्हें मिलेगा तो इसमें ज़ुबान का एक मसला ये है कि वन तकमिलयस से पहले उसका जो मातू फल है वो एक जुमला अरबी कायदे के मुताबिक हस्फ हो गया है उसकी वजह से इस आयत को समझने में लोगों को मुश्किल पेश आई है तो इसका तर्जु जिस तरह करना चाहिए उसको ज़रा सुन लीजिए उससे बिल्कुल वाजे हो जाता है यानी कहा गया है कि वो तुमसे औरतों के बारे में फ़तवा पूछते हैं उनसे कह दो कि अल्लाह तुम्हें उनके बारे में फ़तवा देता है और जिन औरतों के हकूक तुम अदा नहीं करना चाहते मगर उनसे निकाह करना चाहते हो उनके यतीमों से मतलब जो हिदायात इस किताब में दी जा रही हैं उनके बारे में और दूसरे बेसहारा बच्चों के बारे में फ़तवा देता है ये जुमला हस्त कर दिया कि औरतों के हकूक हर हाल में अदा करो और फिर उस पर अतफ़ कर दिया और यतीमों के साथ हर हाल में इंसाफ़ पर कायम रहो तो ये अरबी ज़बान के आम उसलूब के मुताबिक है ये बात है जो अल्लाह ताली ने यहाँ फ़रमाई यानी ये बात वाज़ कर दी कि महर देना होगा अदल का मामला करना होगा जो शराइ निका के लिए हैं उनको हर हाल में पूरा करना होगा इस मामले में अल्लाह ताला कोई रियायत नहीं दे रहे तुमने अगर नेकी करनी है तो इन शराय सदर के साथ करो बल्कि इससे आगे तुम्हारे अंदर नेकी करने और ये तो एक हक है जो तुमने अदा करना है एहसान का जज्बा होना चाहिए तो जो भी तुम खैर का, का काम करोगे नेकी का, का काम करोगे वो अल्लाह के हाँ इलम में और जब अल्लाह के इलम में है तो अल्लाह किसी का अजर देने के मामले में वकील नहीं है वो पूरी फयाजी के साथ उसका अजर देंगे ये बात बयान करने के बाद अब इरशाद फरमाया कि वह इन इमरातुन खाफत में बाहानुशूजन और एराज़ा हाँ अगर किसी औरत को अपने शौहर से बेजारी या बेपरवाही का अंदेशा हो यानी अब निकाह हो चुका है और निकाँ हो गया निका होने के बाद अब ये मालूम हो रहा है कि हकूक़ का मतालबा करना बेजारी और बेपरवाही का बास बन रहा है यानी एक सूरत तो ये है कि निका करते वक्त आप पूछ रहे थे तो उसमें तो बहुत वाजे तरीके पर बता दिया कि नहीं हकूक अदा करो निका कर लिया हुआ है जब अल्लाह ताला ने यह मामला किया तो जाहिर है कुछ लोगों ने निका कर लिए होंगे तो फरमाया कि अगर आप किसी औरत को अपने शोहर से बेजारी या बेपरवाही का अंदेशा हो नशूज़न और इरादा दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ये नशूस का जो लफ्ज़ है ये अगर मर्द की तरफ से हो तो इसका मतलब ये है कि वो बीवी को बीवी समझ कर उससे मामला करने से इनकार कर रहा है यानी अगर ये मर्द की तरफ से ना हो बल्कि औरत की तरफ से हो तो फिर तो मतलब होता है कि सरकशी औरत ने इख्तियार कर ली है उसने शोहर को शोहर मानने से इनकार कर दिया है वो शादी में है लेकिन उसको शादी नहीं समझ रही तो फिर ये इस मानी में आता है जिस तरह के इससे पहले एक सूरह में आया है यहाँ पर ये औरत के हवाले से आया तो औरत के हवाले से अगर ये हो तो फिर इसका मतलब ये होता है कि मर्द ने उसको बीवी समझ कर उससे मामला करने से इनकार कर दिया वो उसके हुकूक अदा करने के लिए तैयार नहीं है और एराज का मतलब ये है कि बेपरवाही कर रहा है मतलब यह है कि वो उससे अब बेनियाज हो चुका है उसे ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं रही इस औरत की अगर ये सूरत किसी शादी में पैदा हो गई है और ये जाहिर है कि उसी स्याक में है कि, कि किसी यतीम की माँ से शादी कर ली है लेकिन अब उसके बाद जब उसने हक़क़ का मुतालबा किया इसलिए कि पहले मरले में तो ज़रूरत थी उसकी बीवी बनी है तो हकूक़ का मुतालबा भी करेगी तो अगर किसी औरत को अपने शोहर से बेदारी या बेपरवाही का अंदेशा हो तो फ़रमाया फला जनाहा अलहि मई यूसलह बैना हम सुलह वो जो ऊपर फरमाया था ना कि उनका महर देना होगा उनको अदल के साथ रखना होगा ये सब मामला करने होंगे तो फरमाया कि अगर किसी निका में कोई औरत आ चुकी है और अब ये मालूम होता है कि अगर मैंने बहुत मुतालबात अपने किए तो इसके नतीजे में शौहर या तो बेजारी पर उतर आएगा या बेपरवाह होकर रह जाएगा तो मैं मुअल्लक हो जाऊँगी तो इसमें वो ख़ातून अगर कोई समझौता कर ले इसमें कोई हर्ज नहीं यानी अब चूँकि घर बन चुका है तो अब इसको बर्बाद होने से बचाना चाहिए फ़ला जनाहा अलह यूसलहा बीना हम सलह यानी इसमें कोई हर्ज नहीं कि दोनों आपस में कोई समझौता कर लें फरमाया कि वस सु खैर इसलिए कि समझौता बेहतर है यानी ये औरत को नसीहत फरमाई है कि अगर उसे अंदेशा हो कि बीवियों में बराबरी के हकूक़ पर इसरार के नतीजे में यही हुक्म दिया गया था ना पीछे मर्द उससे बेपरवाही बरतेगा या पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा तो इसमें हरज नहीं कि दोनों मिलकर आपस में कोई समझौता कर ले यानी औरत अपने हक महर अदल नान नफके के मामले में ऐसी रियायत शोहर को दे दे कि कतः तल्ल का अंदेशा रफ़ा हो जाए अब औरत को तरगीब दी है यानी जब निकाह होने वाला है तो उस वक्त तो ये कहा है कि तुम हर हाल में हुकूक अदा करो ये कोई तरीका नहीं है लेकिन जिस वक्त हो गया है और अब जाहिर है कि इसका शदीद अंदेशा है कि आदमी कहते हैं कि अच्छा ऐसा ही इसरार किया जा रहा है तो मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ तो अब बर्बाद होगा तो फरमाया कि अब कोई ख़ातून अगर इस मामले में सुला और समझौते का तरीका इख्तियार कर लेती है क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हो जाए तो फिर फ्री कैन की फला इसी में है कि ये कायम रहे यानी अगर चाहे इसके लिए एक दूसरे को इशार करना पड़े तो हिर्स तबाही की आम बीमारी है जो बाहमी ताल्लुक़ पर असरअाज़ होती है उसका इलाज यही है कि या तो दोनों की सार पर आमादा हों और अगर एक फरीक का मरज़ ला इलाज है तो दूसरा कुर्बानी पर आमादा हो जाए तो रिश्ता निका को बरकरार रखने के लिए अगर औरत को भी कुर्बानी देनी पड़े तो बेहतरी उसके बरकरार रहने ही मिले जो तबसरा किया है कि वह हज़रतुलफ ये तो तुम जानते हुए कि हिर्स लोगों की सरिश्त में यानी ये माल की हिर्स ऐसी चीज़ है कि जिसमें आदमी बाजा अकात हदूद से तजावज़ कर जाता है फिर तरगीब दी व इन तहसनू व तकूँ फ़ै इन अल्लाह काना बेमाता मलू न ख़बीरा लेकिन हुसन सलूक से पेश आओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो जो कुछ तुम करोगे अल्लाह उसे जानता है यानी फिर एक मरतबा तरगीब दी है कि अगर तुम ये तरीका इख्तियार करोगे या मर्द को फिर उभारा है कि इसार क़ुरानी एहसान तकवा ये मैदान तुम्हारे शायन शान है अपनी फतूत और मर्दानगी की लाज रखो और से लेने वाला बनने के बजाय उसको देने वाला बनो अल्लाह हर एक के अमल से बाखबर है यानी इसमें फिर तरगीब दी है दोनों को कहा है कि अगर तो औरत यह महसूस करती है कि घर बच सकता है मैं अपने कुछ हकूक छोड़ देती तो वो सुलह कर ले इस तरीके से और अगर मर्द ज़रा आगे बढ़े और हिर से अपने आप को बुलंद कर ले और हुसन सलूक का ववैया इख्तियार करे और अल्लाह का तकवा इख्तियार करे और इस तरह पीछा छुड़ाने की कोशिश ना करे तो अल्लाह ताला उसको बेजर देगा तो दोनों को गोया ये बताया है कि अब घर बन गया है तो इसमें यह तरीका हो सकता है जो तुम इख्तियार कर सकते हो अब उसका वो दूसरा पहलू ले लिया जिसमें यह बयान किया गया है कि बीवियों में अगर इंसाफ़ करना हो जिसका हुक्म दिया गया है तो इसके हदूद क्या है ये भी एक मसला था और ये भी उन्हीं लोगों को पेश आ रहा था जो ये समझ रहे थे कि ठीक है हम शादी तो करने के लिए तैयार हैं लेकिन अल्लाह ताला तो ये कहते हैं कि अगर इंसाफ़ नहीं करोगे बीवियों के माँ बैन यानी अगर यतीमों का हक़ अदा करते करते शादी कर रहे हो और शादी करने के बाद जो बीवियाँ उनके माँ बहन बेानसाफ़ी करते हो तो गोया एक बेानसाफ़ी से बचने के लिए दूसरी बेानसाफ़ी कर ली तो उसको अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया था और कह रहा कह दिया था कि नहीं फिर ये ज़्यादा अच्छा है कि तुम शादी नहीं करो और जिस तरह यतीमों के मामले की निगहदाश कर सकते हो उसके लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार करो ये बता, बता दिया था ये पीछे ये तवज्जो भी दिला दी कि इंसान के अंदर हिस्स बहाल पाई जाती है यानी ये जो हिस्सा है ये माल के मामलों में या दूसरे मामलों में भी औरत को भी किसी ना किसी हद तक आगे बढ़ने का बायस बनती है और मर्द के लिए भी बात तो गलत इकदाम का बायस बनती है इसके लिए शोह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसका तर्जुमा बुखल से भी कर सकते हैं और हिरस से भी कर सकते हैं बुखल तो ये होता है कि आदमी अदाएक़ में तंग दिली बरते ये चीज़ हर हाल में मज़ूम है लेकिन हिरस अच्छी चीज़ की भी हो सकती है बुरी की भी तो हद के अंदर भी हो सकती है हद के बाहर की इस वजह से इसका अच्छा और बुरा होना एक इजाफी मामला है अपने अच्छे पहलू के अतबार से ये इंसानी फितरत के अंदर अपनी एक जगह रखती है लेकिन अक्सर तबाह पर इसका गलबा हो जाता है कि ये बीमारी बन के रह जाती है तो उसको ताबीर किया था कि लोगों की सरिश्त में गोया एक तरह से हिरस डाली हुई है तो यहाँ ये बताया कि अगर तुम इससे बुलंद हो जाते हो और अपने आप को अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह समझकर मामला करते हो तो वैसे ही ठीक हो जाएगा लेकिन ये जो तकादा तुमसे किया गया है कि तुम अदल करो तो इसके हदूद समझ लो वलन तस्तियोंदिलोबैन नसा बैनन लव हरस तुम बीवियों के दरमियान पूरा इंसाफ तो अगर तुम चाहो तब भी नहीं कर सकते यानी ये एक मुश्किल काम है आसान नहीं है व हरस्तुम तुम फरमाया फला तमीलुकल मईल फतज़रूह कल मल्ल का ये औरतें जिनके बच्चों की बहबूद के लिए शादी की गई है इनके मामले में इतना काफ़ी है कि किसी एक बीवी की तरफ इतने ना झुक जाओ कि दूसरी अधर में लटकती रह जाए मतलब यह है कि उसको बीवी ही बना कर रखो जिस तरह की बीवी बना के रखना है और वो चीज़ें इख्तियार करो कि जिनका ताल्लुक अमूमी इंसाफ़ से है दिल का मेलान पूरा का पूरा हर एक के साथ यकसा हो जाए ये मुतालबा अल्लाह ताली नहीं कर रहे तो ये बता दिया कि अदल से मुराद क्या है यानी मतलब यह है कि जो जाहरी मामला हैं उनके अंदर कोई अदम तोन नहीं होना चाहिए व इन तुले व तकूँ फ्ला काना गफ़ूर रहीमा और फरमाया कि अगर अपने आप को दुरुस्त करते रहोगे और अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह बख्शने वाला है उसकी शफकत हमेशा के लिए इससे वाज़े हो गया कि बीवियों के दरमियान जिस अदल का तकाजा कुरान ने किया है उसका मतलब ये नहीं है कि ज़ाहिर के बर्ताव और दिल के लगाओ में किसी पहलू से कोई फ़र्क बाकी ना रहे इस तरह का अदल किसी की ताकत में नहीं है और कोई शख्स ये करना भी चाहे तो नहीं कर सकता दिल के मैलान पर आदमी को इख्तियार भी नहीं होता लिहाजा कुरान का तकाजा सिर्फ ये है कि शौहर एक बीवी की तरफ इस तरह ना झुक जाए कि दूसरी बिल्कुल मलक होकर रह जाए गोया उसका कोई शहर ही नहीं अपनी तरफ से तोज़न कायम रखने की कोशिश करो। अगर कोई हक तलफी या कोताही हो जाए तो फ़ौर तलाफ़ी करके अपने रवैये की असलाह कर लो अल्लाह से डरते रहो तुम्हारी इस कोशिश के बावजूद अगर कोई फुरगुजाश्त हो जाती है तो अल्लाह बख्शने वाला है उसकी रहमत हर चीज़ का अहात किए हुए हैं इर्शात फरमाया कि अल्लाह बख्शने वाला है उसकी शफकत अबदी है वहीं यह यफर्रका युगन लाकमिनसात ही और अगर मियाँ बीवी दोनों अलग ही हो जाएंगे तो अल्लाह उनमें से हर एक को अपनी वसत से बेनियाज़ कर देगा व कान अल्लाह वासन हकीम अल्लाह बड़ी वसत रखने वाला और बड़ी हमत वाला है मुद्दा ये है कि घर बचाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए अल्लाह ताला को यही मतलूब है लेकिन अगर हालात मजबूर कर देते हैं और अलहदगी हो ही जाती है तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए वही रिस्क देने वाला है मुसीबतों और तकलीफ़ों में अपने बंदों का हाथ भी वही पकड़ता है मियाँ और बीवी दोनों को अपनी इनायत से मुस्तगनी कर देगा यानी मतलब यह है कि इस रिश्ते को कायम रखने के लिए मियाँ बीवी दोनों से इसार और कोशिश तो मतलूब है लेकिन ये गैरत और खुददारी की हिफाजत के साथ मतलूब है मियाँ और बीवी में से किसी के लिए भी जिस तरह अकड़ना जायज़ नहीं है इसी तरह एक खास हद से ज़्यादा दबना भी जायज़ नहीं है दोनों बातें वाजे कर दी हैं अगरचे अल्फाज में तो एक अमूमियत है लेकिन श्या के कलाम बता रहा है कि इसमें ख़ास तौर पर औरतों की हौसला अफजाई की है कि वह हतीमान नबाहने की कोशिश तो करें मसालत के लिए इशार भी करें लेकिन हौसला रखें कि अगर कोशिश के बावजूद नबा की सूरत न पैदा हुई तो रजाक अल्लाह ताली कोई और इस्बात पैदा कर देगा इस तरह गोया कुरान मजीद ने यह बता दिया कि अल्लाह ताला पर भरोसा करके सही हदूद के अंदर अगर कोई हक छोड़ना पड़े तो छोड़ो जैसे तरगीब दी है और अगर मालूम होता है कि नहीं ये बड़ी तजलील की बात है तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए और इस बाब पैदा कर इन इनायात का तर्जा सुन लीजिए इसके बर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने न एककमल किए हैं उन्हें हम मन ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी वो उनमें हमेशा रहेंगी अल्लाह का वादा सच्चा है और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा हो सकता है तुम पर वाजह होना चाहिए कि नजात न तुम्हारी आरजुओं पर मौकूफ़ है न अहले किताब की आरजुओं पर इसलिए जो बुराई करेगा उसका बदला पाएगा और अल्लाह के मुकाबले में वो अपने लिए कोई हामी और मददगार न पा सकेगा और जो नेकी करेगा खा मर्द हो या औरत और वो ईमान भी रखता है तो ऐसे ही लोग हैं जो खुदा की जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी ज़रा भी हद तलफी ना होगी ईमान वालों के मुकाबले में ये मुनाफिक मशरकों को तरजीह देते हैं और नहीं समझते कि उस शख़्स से बेहतर किसका दीन हो सकता है जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अच्छे तरीके से अमल करने वाला हो और इब्राहिम के तरीक़े की पैरवी करे जो बिल्कुल यकसू था और यही सबब है कि इब्राहिम को अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था अल्लाह के सिवा कौन इसका हकदार है कि अपने आप को उसके हवाले कर दिया जाए इसलिए कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ अल्लाह का है और अल्लाह हर चीज़ का अहाता किए हुए है वो तुमसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं उनसे कह दो कि अल्लाह तुम्हें उनके बारे में फतवा देता है और जिन औरतों के हकूक तुम अदा नहीं करना चाहते मगर उनसे निकाह करना चाहते हो तो उनके यतीमों से मुतक जो हिदायात इस किताब था था। में दी जा रही है उनके बारे में और दूसरे बेसहारा बच्चों के बारे में फतवा देता है कि औरतों के हकूक़ हर हाल में अदा करो और यतीमों के साथ हर हाल में इंसाफ़ पर कायम रहो और याद रखो कि इसके अलावा भी जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में रहेगी हाँ अगर किसी औरत को अपने शोहर से बेदारी या बेपरवाही का अंदेशा हो तो इसमें हर्ज नहीं कि दोनों आपस में कोई समझौता कर ले इसलिए कि समझौता बेहतर है और ये तो तुम जानते ही हो कि हिर्स लोगों की सरिश्त में है लेकिन उसने सलूक से पेश आओगे और तकबा इख्तियार करोगे तो जो कुछ तुम करोगे अल्लाह उसे जानता है बीवियों के दरम्यान पूरा इंसाफ तो अगर तुम चाहो भी तो नहीं कर सकते इसलिए इतना काफ़ी है कि एक की तरफ इस तरह ना झुक जाओ कि दूसरी अधरब में लटकती रह जाए हाँ अगर अपने आप को दुरुस्त करते रहोगे और अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह बख्शने वाला है उसकी शफकत अबदी है और अगर मियाँ बीवी दोनों अलग ही हो जाएंगे तो अल्लाह उनमें से हरेक को अपनी वसत से बेनियाज कर देगा अल्लाह बड़ी वसत रखने वाला और बड़ी हमत वाला है व कौली हाजा वस्तफिरल्लहदीब